क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में। आज टाइम्स ऑफ ओमान ने जो आर्टिकल निकाला है उसमें बताया है कि पिछले 24 घंटों में जो कोरोना के पेशेंट आए हैं वो 1124 हैं, जिनमें से 262 लोग विदेशी नागरिक हैं, जी हाँ खारजी लोग हैं, और 862 लोग ओमानीज़ हैं। और ये आंकड़ा जो विदेशी नागरिकों या खारजी लोगों का जो कम हो रहा है, ये बहुत छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरह के माहौल में हम लोगों को वहाँ रखा जाता है, कि एक एक रूम में 4 से 5 लोगों को कंपनियाँ देती हैं रहने के लिए। लेकिन इसके बावजूद, कम संसाधन के बावजूद, जिस तरह से हमारे वर्कर भाइयों ने जो अपने साहस, संयम और धैर्य और साथ में जो अनुशासन दिखाया है, कोरोना के प्रति जो जागरूकता आया इनके अंदर, उसी का नतीजा है। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे मजदूर भाइयों ने ये ठान लिया है कि ना तो वो संक्रमित होंगे कोरोना से और ना अपने भाई को संक्रमित होने देंगे, यानी जो उनके साथ रहते हैं। क्योंकि जब तक आपके साथ वाला संक्रमित नहीं है तभी तक आप सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि रही जीव तक खाए घी। ओमान रॉयल पुलिस ने यातायात संबंधित सेवाएं, पासपोर्ट संबंधित सेवाएं और जो भी आपकी सिविल आईडी के संबंधित जो भी सेवाएं हैं, इन ऑफिसेस को 1 जुलाई से खोल दिया है। आपको कुछ भी काम हो तो आप जाके इसको करा सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी सावधानी के साथ जाइए। एक बार और आपको बधाई देते हैं और इस जो सेफ होने का जो आपने शुरू बीड़ा उठाया है, इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।